और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही है। इसके साथ ही आज अंबाला में युवा कांग्रेसियों ने पैदल मार्च अंबाला के बाजारों में निकाला, लोगों को राहुल गांधी की चिट्ठी सौंपी। इस चिट्ठी को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया था। अंबाला में निकाली गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में युवा कांग्रेस नेता जग्गा खैरा भी शामिल हुए। जग्गा खैरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में शामिल थे। जग्गा खैरा ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से लोग उठ चुके हैं, लोग कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उन्हें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आपको बताया, राहुल गांधी जी ने एक लेटर जो संदेश लिखा है, ये हमें लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रोग्राम का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो 14 राज्य 75 जिलों से होकर आई, उसमें लोगों की समस्याएं जो सुनी है, महंगाई की, बेरोजगारी की, और सबसे बड़ी जो इन्होंने नफरत की तेड़ जाति में धर्म में जो डाली है, उस तेड़ के लिए जो संदेश राहुल गांधी जी ने लिखा है, हम इस संदेश को दे रहे हैं ताकि लोग समझें कि एक ही नेता है जो हमें बचा सकता है इस नफरत से, बेरोजगारी से, महंगाई से। उनका नाम है राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, लोग एक उबे हुए हैं, एकदम एक चुनाव आने की देर है, लोग तैयार बैठे हैं इस सरकार को सबक सिखाने के लिए और इसकी तख्ता पलटने के लिए।